हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो मेरा प्रीवियस व्लॉग था उसी की कंटिन्यूएशन में ये वाला व्लॉग बना रही हूँ। तो ये देखिए, अब हम दूसरे स्टॉल पे आ गए जहाँ पे ये कप्स वगैरह ये सब चीज़ें मिल रही थी और बहुत ही अच्छे कलेक्शन थे, पर थोड़ा मुझे प्राइसिंग लगा ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं। एक्चुअली मुझे ना वो जो कढ़ाई में देख रही थी, मुझे मन कर रहा है लेने का, कढ़ाई की आवश्यकता है। और यहाँ पे एक और शॉप में हम लोग आ गए, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ट्रेस आपको बहुत सुंदर यहाँ पे मिलेंगे। ये ट्रेस के क्या प्राइस है भैया? 350 का है। मुझे ये वाला अच्छा लगा था। ये थे ठीक है, 300 का बेच रहे। ये रंगोली के लिए, होली में जैसे हम लोग रंगोली बनाते हैं या फिर होली वगैरह में यूज़ करने में, आपको डिज़ाइन यहाँ पे बने हुए हैं। उनके डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस है। ये देखिए, ओम भी है, स्वास्तिक भी है, शुभ लाभ भी है, बहुत सुंदर। आप गोल्ड से है? ये गोल्ड कारीगरी का। कहाँ से है भैया आप लोग? हम लोग बिहार से। बिहार से ये देखिए गाइस, कितने ब्यूटीफुल से। 3000 से स्टार्टिंग है। और ये छोटे वाले ग्लास पेंटिंग है, 500 से स्टार्टिंग। ये ग्लास पेंटिंग है, ये देखिए कितने सुंदर से हैं ये। गणेश जी की बहुत ब्यूटीफुल ये यहाँ पे क्या है? ये कुशन कवर्स है। बहुत वैरायटी है। कुशन कवर का कलेक्शन है, गुजरात का। बैग्स भी है आपके पास? बैग्स भी है। ये देखिए गाइस, गुजराती बैग्स हैं। क्या रेंज क्या स्टार्ट होगी? 600 से स्टार्टिंग है रेंज। ये भी इस तरह के आपको स्लिंग वगैरह भी मिल सकते हैं, देखिए। और ये भैया बेडशीट है ना? ये बेडशीट है विद, ये वाला कितने का है? कितने का है कॉटन? ये 1200 की विद पिलो कवर्स आएगी। गाइस ये देखिए, टॉयज के लिए यहाँ पे इनकी है। और ये अगरबत्ती, ये अगरबत्ती आपको मिल जाएंगी। हाँ स्ट्रॉन्ग। आसाम से हो?
बंगाली नहीं बोल पाते हैं हम लोग, बंगाल। अच्छा अच्छा, मैं बंगाली हूँ इसलिए कह रही हूँ। ये किसका है, जूट का है, किसका है? ये देखिए गाइस कितना सुंदर है ये, और ये छोटे, इसमें जिप भी है तो आप अंदर, मतलब जैसे जिप है तो आपको एक इजी भी रहेगा जिप के साथ। ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल सा है। ये क्या प्राइस होगा मैडम? दिस वन 450। कितना रीजनेबल प्राइस भी है, आपको यहाँ पे आइए शॉपिंग कीजिए। ये देखिए कितना सुंदर है, अभी कोविड भी ख़त्म हो गया है। ये क्या प्राइस है? ये 200 का। कितना क्यूट सा है ना ये, मेरे को मन कर रहा है लेने का। ये वॉलेट है ना, वॉलेट बोलते हैं, इसमें खाली पिंक वाला होगा कलर, जैसे ये मल्टी है ना। बहुत बड़ा हो जाएगा। ये कैसा है ब्रो? मेरे को ये ना, मैं एक्चुअली ऐसा वॉलेट लेना चाह रही हूँ, कितना क्यूट सा वॉलेट वाले मतलब कुछ भी रख सकते हो। और अंदर देखिए इसमें एक जिप भी है, इफ यू कैन सी दिस, इट हैज अ जिप आल्सो, छोटा मोटा चीजें रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत क्यूट लगा, बहुत डिफरेंट है। एक्चुअली मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी ना कि मुझे कलर वाला लेना था या प्लेन वाला, बट अल्टीमेटली मैंने प्लेन वाला ही लिया। और पता है आपको, आपको अपने लिए भी शॉपिंग करनी चाहिए कभी ना कभी, मन तो करता ही है। तो क्या हो गया, छोटी मोटी चीज़ें ही इनकी सबकी मेहनत है। देखिए पीछे भी कितने सारे स्लिंग्स हैं, बैग्स हैं, ये भी बैग्स हैं। मैंने ये लिया है, मैंने ये लिया। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं इनको पेमेंट कर देती हूँ। इस मेरी एक शॉपिंग तो हो चुकी है, मैंने एक छोटा सा ना वॉलेट लिया है। अभी मैं दूसरी जगह देख रही हूँ कि मुझे क्या, मुझे लगा मैंने कहा कुछ। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ बैग्स बैग्स मुझे दिख रहे हैं। बैग्स का मुझे बड़ा शौक है, इसलिए मैं बार बार बैग्स देखती हूँ। कितने का है? 350। इसमें और भी कलर है, यही होगा, दिखाइए ना। इसमें अंदर जिप भी है, मेरे को बैग्स का पता नहीं क्या हो गया। ये वाला बैग भी अवेलेबल है, इसमें आप कलर दिखा दो। गाइस मेरे को एक और स्लिंग पसंद आई, बट मैं लूंगी नहीं, बिकॉज पता है क्या, ऐसे कर करके तो कुछ ना कुछ अच्छा ही लगता रहेगा। XL है मेरा ही साइज है। ये टाइट तो नहीं होगी, टाइट तो नहीं होगी भैया। अगर बाई चांस नहीं आया आप लोग, अभी हो ना 5 तारीख तक हो आप लोग, कहाँ से हो? उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, वहाँ पे भैया टाइगर्स होते हैं ना। बहुत व्हाट्सएप पे रखते व्हाट्सएप पे अपडेट रखते अपना व्हाट्सएप पे अपडेट भेजते अपना भैया। वहाँ पे शेर का राज चलता है ना, शेर घूमते, आपने देखा है वहाँ पे शेर कभी? हमने देखा नहीं। ने भैया को ऐसे ही पूछा था मजाक में कि मध्य प्रदेश में शेर है यानी, अब पीछे कंफर्म करने के लिए वहाँ कंफर्म कर रहे थे कि वाकई में है या नहीं।
अब नहीं है, पहले बहुत थे ना, कम हो गए शेर की। गाइस उसके बाद मेरे को कन्फ्यूजन फिर से हो गई कि मुझे ग्रीन में कौन सा डिज़ाइन लेना है, बिकॉज़ जो डिज़ाइन मुझे पसंद आ रहा था वो एक्चुअली मेरा साइज़ उसमें मिल नहीं रहा था, एंड वहाँ पे कोई ट्रायल रूम भी नहीं था तो मैं कंफर्म नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता है ज़िंदगी को खोल के जीना चाहिए, और जो वो डिज़ाइन दिखा रहा था मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था, बट ऐसे ही अच्छा लगता है मतलब सारी चीज़ें R&D करना कि क्या है क्या नहीं। और मुझे देख के ना दूसरी लेडीज़ भी लेने लग गई उसी से, क्योंकि एक्चुअली अच्छा लगता है, इन सब की मेहनत लगती है तो आप सबको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत दूर से आते हैं और सबकी मेहनत होती है, एंड यू ऑल शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम। पूरा कह रहे थे पूरा बोर हो चुका है, उसको नहीं अच्छा लग रहा कुछ भी, और हम जैसे औरतों को तो मतलब शॉपिंग करा दो तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, तो मैं एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे करना क्या चाहिए। मैं देख रही हूँ कुछ अलग कुछ मिलता है तो ज़रूर, मैंने ये वाला सूट पसंद आ रहा है लेकिन शादी में पहनने के लिए, बट समझ नहीं आ रहा भैया डिस्काउंट नहीं कर रहे, 1200 कर दो। अच्छा भैया ऐसे प्लाजोस में और नहीं आपके पास, यही है बस? गाइस वो ना कम नहीं कर रहा ज़्यादा, थोड़ा सा कर रहा है बट मेरा बट मुझे एक्चुअली सेंस नहीं बन रहा उसको ख़रीदने का। मैं दुपट्टे के चक्कर में होता है ना, कि जैसे दुपट्टे के चक्कर में हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो वही वाली चीज़ है। ये मैं करवा रही हूँ, भैया कर रहे हैं अपनी कलाकारी इसमें, और बस 200 रुपीज़ में मेरा ये हो रहा है, एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज मेले में आके, बहुत अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशिंग लग रहा है, पता है रिफ्रेशिंग लग रहा है। ये देखिए कितने सुंदर लोगों ने यहाँ पे सजा के रखा है, वेरी वेरी एक्साइटेड। मेरा ना स्किन गर्म हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, 200 रुपीज़ में कलाकारी नहीं तो मतलब फिर भी सस्ता पड़ा ना मेरे को। अभी हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, बैठ जाए थोड़ी देर कहीं बैठने की कोई जगह यहाँ पे जाए। सारे स्टेट्स के ना खाना मिल रहा है जैसे कि दिल्ली हाट में होता है यूजुअली, बट हम कुछ खाएंगे नहीं, हम चाय की तलाश में है, चाय हमें मिल जाए। देखिए भीड़ देखी गई, गाइस मैं यहाँ बैठी हूँ अभी, बस 2 कप लिया ना चाय की, पूरा अभी चाय का ऑर्डर लेने गया है, जैसे ही आते फिर हम चाय पीते हैं, चाय पी के फिर हम निकलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, बैठ के आप लोग खा भी सकते हो कुछ, हमने तो खाना नहीं है इसलिए हम लोग बस चाय पी के। गाइस मुझे ना मुझे बहुत क्रेविंग्स हो रही है मोमोज खाने की, गोलगप्पे खाने की, बट लेकिन मैं नहीं खा पाऊँगी बिकॉज ऑफ
डाइट करें, कुछ कंट्रोल करें। अभी शादी आ रही है इसलिए डाइटिंग वाइटिंग जोरों जोरों से चल रही है। बट मैं देख रही हूँ कि लोग ना गोलगप्पे खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, सब मन कर रहा है। जैसे मुझे फ्रूट्स की क्रेविंग हो रही है, डांस हो रहा है। ओके गाइस, तो ये कुछ बिहू डांस है जो आई थिंक असम में फेमस डांस होता है, और ये वहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही थी। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग को एंड कर रही हूँ और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बाकी की रिव्यूज़ दूँगी।